भगवानपुर प्रखंड के दामोदरपुर में पीएचडी विभाग द्वारा क्रियान्वयन किए गए नल जल के कार्य में तोड़ी गई सड़क के कारण ग्रामीण हो रहे परेशान। भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में वर्षों पूर्व पीएचडी विभाग द्वारा क्रियान्वयन किए गए नल जल योजना का कार्य में तोड़ी गई सड़क के कारण ग्रामीण हो रहे परेशान। आपको बताते चलें कि सरकार का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना का लक्ष्य था कि हर एक घर तक शुद्ध नल का जल पहुँचाया जाए, जिसको लेकर नल जल का पाइप बिछाने के दौरान उक्त वार्ड में बने सड़क को तोड़कर पाइप को बिछाया गया था, जिससे सड़क टूट गया था, जिससे विभाग के द्वारा पाइप बिछाने के उपरांत टूटे सड़क को मरम्मत करने का आदेश भी दिया था, जिसके हवाले देते हुए उक्त कार्य को करवा रहे एजेंसी के ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि कार्य पूर्ण होते ही टूटे सड़क का मरम्मत कार्य अतिशीघ्र करवा दिया जाएगा। लेकिन वर्षों बाद तक भी मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने पीएचडी विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि तोड़े हुए सड़क को अतिशीघ्र मरम्मत किया जाए। वहीं पीएचडी विभाग के जेई पंकज कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि टूटे सड़क का अतिशीघ्र मरम्मती करवा दी जाएगी, संबंधित एजेंसी को निर्देश दे दिया गया है। परेशानी यही हो रहा है कि जाने आने वाले को ठोकर लगता है, गोड़ फूट जाता है, साइकिल मोटरसाइकिल गिर जाता है, गोड़ टूट जाता है। ये साल भर पहले तोड़ दिया पाइप बिछाने में और अभी तक बोला कि तुरंत हम ढलाई करेंगे, लेकिन अभी तक ढलाई किया है नहीं। यही ग्रामीण को बहुत तकलीफ है, पानी ठीक से मिलता नहीं है, कभी आधा घंटा कभी एक घंटा देता है, देता नहीं देता है, तो यही परेशानी हम लोग का है। कृपया आप लोग जितने आदमी हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि है जो कहेगा डिपार्टमेंटर करेगा, लेकिन उनको भी कहते हैं तो सुनता ही नहीं है। कुछ दूर किया है 6 नंबर में, वहां से अभी छोड़ दिया गया है। हाथ पैर तोड़ तार के बरसात होता है तो और लोग मोटरसाइकिल से गिरता है खड्ढा में, गोर हाथ पैर टूटता है, साइकिल से गिरता है, क्या करेगा लोग, जाने आने में इतना परेशानी है, हद से ज़्यादा है, क्या किया जाएगा।